नमस्कार, मैं हूं अनुपम सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया समाचार सच के साथ। फिरोजाबाद के थाना नारकी के गांव मदनपुर में विकास कार्य न होने से गांव वासियों में काफी रोष। प्रधान की मनमानी के खिलाफ गांव वासियों की काफी रोष है। स्कूल की दीवार कुछ दिनों में चटकी, सीमेंट रखा सूखा को देखते हुए शौचालयों से छूटे पानी की विकराल समस्या को लेकर गांव वाले प्रधान सेक्रेटरी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। गांव में 5 साल में विकास कोसों दूर, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विकास की बात करते हैं, यहां उल्टा देखने को मिल रहा है। कागजी में कार्य धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव में प्रधान की लापरवाही कितनी बड़ी है, जिससे गांव में इतना आक्रोश फैला हुआ है। गांव वालों का कहना है कि इस पर जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए। आइए चलते हैं हम हमारे संवाददाता कपिल व्यास की खास रिपोर्ट पर। आपने कोई कार्यवाही की थी? चार्ज इनके है, जो भी डेवलपमेंट का पैसा आता है प्रधान के में। नहीं, उनकी ड्यूटी नहीं है क्या? अभी तो अभी आज आज आए नहीं। टाइम कितना है? नंबर लगाओ, डीएसओ को फोन लगाओ तो एक बार लगाओ नंबर। मुदन सिंह, गांव मदनपुर, पोस्ट ओखरा, थाना नारकी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। हमारे गांव की कोई भी गांव में विकास नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, मुख्यमंत्री के आदेश से कोई भी गांव में कोई विकास नहीं है। सब खरंजा दुष्ट पड़े हुए हैं, परिक्रमा मार्ग, और प्रधान कुछ नहीं कर रहा है। गड्ढे पड़े हुए हैं, नलों के बोरिंग करा दिए हैं, उसमें समर न कोई नल डलवाया है, और स्कूल में टॉयल रखी हुई है न उसमें कराया, सीमेंट जम गया है, शौचालय बंद पड़े हैं, कोई उनकी व्यवस्था नहीं है। ईंट खरंजाओं की ईंट उखड़वा करके दूसरे खरंजा पर गिट्टी पड़वा दी है, उनमें पानी भरा पड़ा हुआ है, और कह रहे विकास हो रहा है। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है, और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है गांव में अभी तक। न सेक्रेटरी न कोई शिकायत करते है, कहते ऊपर शिकायत कर दो, हमारा कोई काम नहीं कराएंगे। शौचालय कुछ आदमियों के कागज ले लिए, आज तक कोई उनका शौचालय नहीं बनाया है। ऐसे 10 आदमी पड़े हुए हैं गाँव के अंदर में, बहुत परेशान है काफी लोग, और जो कहते हमको जो वोट दिया उसका काम कराएंगे, नहीं बनना हम नहीं कराएंगे। और स्कूल की बाउंड्री बनी हुई है, अभी बनी हुई है, और उसका सब चटक गई। स्कूल में बिल्कुल दुष्ट पड़ा हुआ है, और गड्ढे काफी बड़े हुए हैं। हालत परिक्रमा मार्ग गांव का मेहतरों के द्वार पर गड्ढा है काफी। वो कहते हैं कि आप इसी में रहने लायक हो, आप सरकार आपके लिए करेगी, करते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो ऐसे ही मौज लेंगे 5 साल।